हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम थर्ड चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड हाइजीन। आप नाम से समझ गए होंगे कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, आपके हेल्थ और हाइजीन के रिलेवेंट है ये। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा है फिजिकल हेल्थ, विच यू ऑल नो वेरी वेल, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। बैलेंस ऑफ वर्क, फर्स्ट पॉइंट दे हैव गिवन बैलेंस ऑफ वर्क। देन सेकेंड, सफिशियंट स्लीप स्लैश रेस्ट। देन थर्ड इज द सेंसिबल एंड रेगुलर मील्स। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ की जो टेक केयर करनी पड़ेगी, बिकॉज़ शिप में आप जो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे फिजिकल वर्क बहुत है, ठीक है। वैसे भी आपको नॉर्मल लाइफ में भी और डेली रूटीन में भी अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, बट मोस्ट प्रोबेबली व्हेन यू आर वर्किंग अंडर एनी कंपनी, व्हेन यू आर वर्किंग फॉर सम कंपनी और फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, देन वो आपको सैलरी पे कर रहे हैं तो वो उस सैलरी के हिसाब से आपसे काम भी चाहेंगे। और अगर आप कंपिटेंट नहीं हुए, इफ़ यू आर नॉट कंपिटेंट इनफ टू डू दैट वर्क, वट एवर दे आर आस्किंग यू टू परफॉर्म और डू, तो वो फिर आपको एज अ एम्प्लॉय नहीं रखेंगे, वो आपको सैक कर देंगे और घर भेज देंगे। सो इट्स बेटर टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। फिजिकली आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आपको अपनी मील कंज्यूम करनी चाहिए, टाइम टू टाइम खाना खाना चाहिए, टाइम टू टाइम अपनी प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, 6 to 8 आवर्स, प्रोबेबली मैक्स टू मैक्स 6 आवर्स तो यू हैव टू टेक स्लीप। देन आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, हाफ एन आवर एटलीस्ट पूरे दिन में, हाफ एन आवर या मैक्सिमम 45 आवर्स, सॉरी 45 मिनट्स और हाफ एन आवर की आपको जो एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जिससे आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे। और आप जो है अगर स्टार्टिंग में डे की अपनी एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा, पूरा एनर्जेटिक आप रहेंगे। देन सेकेंड विल मूव टू द मेंटल हेल्थ। इट सेज मेंटली भी आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। अब आप शिप में रह रहे हैं, आप पूरी मतलब कट रहते हैं दुनिया से, 22 22 पीपल आर देयर ऑन शिप ऑल अलोन, सो वही सेम चेहरे आपको जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 6 मंथ 3 मंथ और 9 मंथ डेली देखने हैं, उन्हीं लोगों के साथ उठना है बैठना है खाना है पीना है। तो कहीं पे जो है क्लैशेस होने लग जाते हैं थॉट्स के, वे ऑफ वर्किंग के, सो कम्युनिकेशन के। और इंडियंस में तो खैर थोड़ा मैंने सुना है इस फील्ड में जो है ज़्यादा होता है, बट मोस्टली जो है आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी वहाँ पे ध्यान रखना है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ काम करना है, पहले नेगेटिव थॉट लेके नहीं चलना है कि ये नहीं होगा काम, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, एटलीस्ट यू शुड गिव इट अ ट्राई। सो पॉजिटिव थॉट्स के साथ चलना है। देन विलिंग टू लर्न, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू जीपी रेटिंग कोर्स सो यू विल बी गेट हायर्ड इन अ क्रू डिपार्टमेंट विच इज़ द लोएस्ट डिपार्टमेंट आई गेस इन द जीपी रेटिंग, सॉरी मर्चेंट नेवी। तो अब आप में अगर इच्छा होगी सीखने की या कुछ नया नया जानने की, तो अब जैसे आप एज अ इफ यू विल गो इन व्हाट डू यू से इन टेक डिपार्टमेंट, तो यू विल गो देयर एज अ ट्रेनी ओएस इन द बिगनिंग एज अ फ्रेशर व्हेन यू विल गो देयर। देन अगर आप में इच्छा नहीं होगी कुछ सीखने की या काम सीखने की या कुछ भी, तो हाउ यू विल गेट प्रोमोटेड, आपको कंपनी कैसे प्रोमोट करेगी, आपको कैसे काम आएगा, आप में कहने के लिए क्या स्किल्स होंगी, कुछ भी नहीं होगा। तो आप में एक विलिंग होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कुछ नया सीखने की, आगे बढ़ने की। आप ट्रेनियर्स रहेंगे, आप सीखेंगे कुछ, बढ़ेंगे आगे जाके ओएस बनेंगे, देन आप जो है और सीखेंगे, देन यू विल बिकम AB, देन आफ्टर कंप्लीटिंग योर 36 मंथ ऑफ सेलिंग इन बिटवीन यू हैव टू लर्न इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, तब आपको तो और सीखना पड़ेगा, और सारी चीजें सीखने के लिए हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपको आपके अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए कुछ नया सीखने की। देन नॉलेज ऑफ वर्क एंड स्किल्स, वही जो मैंने आपको बताया, अगर आप इच्छुक होंगे किसी नई चीज़ को सीखने के, किसी भी चीज़ को सीखने के, अपने प्रोफेशन में ले लो या डेली लाइफ में ले लो, तो
तो अगर आप पे उस वर्क की जो आप काम कर रहे हैं आप पे उसकी नॉलेज है, यू हैव सफिशियंट अमाउंट ऑफ नॉलेज टू डू दैट वर्क, यू आर कॉम्पिटेंट इनफ टू परफॉर्म दैट वर्क और टास्क एंड यू आर स्किलफुल टू डू दैट वर्क। अगर आपको कुछ काम दिया जाएगा तो इफ़ योर सीनियर्स हैव गेव यू सम काइंड ऑफ वर्क, गो डू दैट स्टेशन, एंकर स्टेशन और लाइफ बोट स्टेशन और वट एवर स्टेशन दे विल गिव यू, दे शुड बी, यू शुड बी ट्रस्ट वर्दी टू देम। उनको आप पे 100% ट्रस्ट होना चाहिए कि ये कर लेगा। सो वो कैसे ट्रस्ट होगा, जब आपको नॉलेज होगी अपने काम की, जब आपको पता होगा आप क्या करने जा रहे हैं। तो दैट्स दीज ऑल पॉइंट्स कम्स अंडर मेंटल हेल्थ। ये सिर्फ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ इसमें, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है और कोर्स को कंप्लीट करने के लिए नहीं है, ये सब आपको जो है एक्चुअल लाइफ में अपनी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ओके, सो इट्स नॉट जस्ट आपने यहाँ पढ़ा और आप भूल गए, देर आर फ्यू थिंग्स दैट, सब चीज़ें, अब हर कोई परफेक्ट नहीं होता है बट आप सब चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक यू कैन इंट्रोड्यूस इन योर लाइफ स्टाइल। सो नेक्स्ट, दिस इज़ द स्पिरिचुअल हेल्थ, थर्ड पॉइंट। इन दैट वी हैव बिलीविंग दैट इज ऑल गोइंग टू बी फाइन, एक्सेप्टिंग लाइफ एज इट कम्स, रिस्पेक्टिंग अदर्स, प्रेयर्स फॉर एनी काइंड। स्पिरिचुअल मीन्स आपकी आत्मा, जो आप ध्यान लगाते हैं और मेडिटेशन वगैरह करते हैं, स्पिरिचुअली यू आर वेरी काम। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव माइंड होगा, जस्ट लाइक इन दिस ड्यूरिंग दिस पैनेडमिक कोविड-19, सो मैनी सी फेयरर्स गॉट स्टक ऑन शिप फॉर लॉन्गर देन दे हैव साइंड फॉर देयर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। 9 months वाले जो है 14 months के लिए स्टक हो गए, या मतलब मोर ओवर। और जो घर पे बैठ, अब उनको भी तो पेशेंस होगा, जो जिनको जॉब पे जाना है उनको जो है फाइनेंशियल इश्यूज आने लग जाएंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस आने लग जाएंगे, वो भी जो है 1 month का रेस्ट रहा होगा उनका घर पे, या 2 month का, वो भी 6-6 महीने घर पे बैठे रहे हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट कि बिलीविंग दैट इज ऑल इज गोइंग टू बी फाइन, आप बिलीव करें कि सब अच्छे से हो जाएगा तो वो फिर हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव थॉट लेके चलेंगे तो बीच समुद्र में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, नथिंग नथिंग कैन हैपन देयर। देन एक्सेप्टिंग लाइफ एज इट कम्स, आप एक्सेप्ट करें लाइफ जैसे आपकी तरफ आ रही है, जैसे कोरोना की सिचुएशन आई है तो आप शिप में अटक गए, आप क्या कर सकते हैं, आपको, यू आर वर्किंग फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन, यू आर सर्विंग देम, ओके, यू आर प्राइवेट सर्वेंट, तो आपको वो करना ही पड़ेगा जो वो कहते हैं, ठीक है। इफ़ यू विल गो अगेंस्ट देम देन उसमें कंपनी का कुछ लॉस नहीं होता है मोस्टली, जो भी होगा लॉस आपका होगा। देन रिस्पेक्टिंग अदर्स, यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स हुम यू आर वर्किंग विद, हुम यू आर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम, जो जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करो, अपने छोटों को रिस्पेक्ट करो। देन प्रेयर्स फॉर एनी काइंड, सबके अलग अलग रिलीजन्स हैं, सब अपने अपने गॉड में विश्वास करते हैं, अल्लाह, गॉड, भगवान, वाहेगुरु। देन मेडिटेशन इज़ मस्ट इन मॉर्निंग, बिफोर एक्सरसाइज और आफ्टर एक्सरसाइज यू कैन डू मेडिटेशन फॉर 5 to 10 minutes टू गेट स्पिरिचुअली हेल्दी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग क्लोथ्स वी गेट ऑन बोर्ड। वर्किंग क्लोथ्स मीन्स द यूनिफॉर्म वी आर गेटिंग ऑन बोर्ड टू वर्क, फॉर वर्क। सो इट्स कॉल्ड पी पी इन देयर लैंग्वेज, इट्स कॉल्ड पी पी, एंड पी पी स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इट मीन्स पर्सनल मीन्स आपके अपने पर्सनल जो आपके पास रहेंगे, जो और कोई यूज़ नहीं करेगा, और कोई यूज़ नहीं कर सकता, इट्स फॉर ओनली यू, ठीक है। प्रोटेक्टिव मीन्स इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी हजार्ड, फ्रॉम एनी मिस हैपनिंग। एंड इक्विपमेंट, और ये एक इक्विपमेंट्स हैं जो आप पहनेंगे जिससे आप अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सो फर्स्ट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सेफ्टी हेलमेट इज देयर, सेफ्टी गॉगल, एयर मफ, डस्ट मास्क, सेफ्टी ग्लव्स, बॉयलर सूट स्लैश कवरऑल, सेफ्टी बूट एंड द सेफ्टी हार्नेस। सो वन बाय वन वील डिस्कस ऑल दीज पीपी।
what they do, what their function, and how do they protect you from getting injured. So this is the first PP. It is called safety helmet. So it protects your head, which is the, I can say, the most important PP, जो आपका सर बचाता है. तो हेलमेट में इट नॉट जस्ट अ नॉर्मल हेलमेट, दीज आर टेस्टिफाइड सर्टिफाइड हेलमेट्स जो आपको किसी भी एक्सीडेंट में बचाएंगे. इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, विल गो ओवर दैट वेरी क्विकली. सो दिस इट्स लुक लाइक एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हेलमेट. जब आप हेलमेट पहनेंगे तो अंदर आपको ये स्पाइडर वेब जैसा कुछ दिखेगा. सो हार्नेस दे कॉल इट, ये प्लास्टिक का होता है, ठीक है. किसी किसी में नायलॉन स्ट्राइप्स होती हैं अंदर. ये क्या करता है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं वर्टिकल क्लियरेंस है ये हेलमेट और इसके बीच में हार्नेस के बीच में ये जो वेब है हेलमेट के अंदर, इन दोनों के बीच में जो है क्लियरेंस है. तो ये क्या करता है, जब आपके सर पे समथिंग कुछ भी गिरेगा, कोई भारी चीज़ कोई हल्की चीज़ कुछ भी गिरेगा, तो ये इम्पैक्ट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है. ये जो हार्नेस है ये वो जो गिरने से आपके सर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट लगता है वो नहीं लग पाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस क्लियरेंस एंड बिकॉज ऑफ दिस हार्नेस ये ऐसा बनाया गया है जो है इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इम्पैक्ट जो लगने वाली होती है आपको बचा लेता है. देन इसके अंदर ये स्वेट बैंड होता है. स्वेट बैंड मींस जो आपको पसीना वगैरह आ रहा होता है तो वो इसमें एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ये स्वेट बैंड होता है. देन यहाँ पे वेंट्स दिखा रखे हैं, तीन होल्स हैं, यहाँ से एयर अंदर बाहर जाती रहती है ताकि आपको ज़्यादा गर्मी ना लगे हेलमेट के अंदर. फिर ये इसकी पीक होती है आगे, जो आपको एक तो धूप में भी आप इससे काम कर सकते हैं, जैसे कैप होती है हमारी नॉर्मल कैप होती है, सो वैसी इसमें भी आगे दिया हुआ है. देन ये आप देख रहे हैं पीछे, ये स्ट्रैप जो है ये एडजस्ट करती है हेलमेट की ग्रिप को, फास्टनिंग बोलते हैं इसे. और ये जो आप डायल यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हेलमेट का जो ये बैंड है ये आपके सर पे टाइट होता रहेगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ढीला होता रहेगा. सो दैट्स हाउ यू वेयर इट. एक और चीज़ इसमें होती है जिसको बोलते हैं चिन स्ट्राइप. चिन स्ट्राइप मतलब ठुड्डी के नीचे से ऐसे स्ट्राइप जाती है, वो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जिसको बोलते हैं चिन स्ट्राइप. ये चिन स्ट्राइप क्या करती है, ये हेलमेट को गिरने नहीं देती है, जैसे हमारे नॉर्मल बाइक के हेलमेट्स में भी होते हैं चिन स्ट्राइप. सो इट्स का बेसिक फंक्शन यही होता है कि आपको हेलमेट को निकलने नहीं देगी, प्रॉपरली यहाँ पे फंसा देती है. देन नेक्स्ट वी हैव सेफ्टी गॉगल. इट प्रोटेक्ट्स योर आईज फ्रॉम गेटिंग डैमेज. दिस इज अ नॉर्मल सेफ्टी गॉगल विच वी यूज वाइल वर्किंग वाइल डूइंग नॉर्मल वर्क. नॉर्मल मीन्स नॉट एनी टेक्निकल वर्क विच इन्वॉल्व हॉट वर्क और एनी अदर वर्क, बट ये कोल्ड वर्क के लिए, जैसे आप जो नॉर्मल वर्क कर रहे हैं ड्यूरिंग स्टेशंस हो गया, एंकरिंग हो गया, आपकी लाइफ बोट की स्टेशंस हो गए, देन मूरिंग ऑपरेशंस हो गए, सो मैनी ऑपरेशंस आर देयर, लोडिंग एंड अनलोडिंग, तो ये नॉर्मल गॉगल हम पहनते हैं. इससे क्या होता है, ये आपकी आंखों को बचाता है, आपकी आंखों में कुछ भी जो मेटल चिप्स होती है या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कुछ भी होते हैं उनको अंदर जाने से बचाता है. दीज आर लॉर्ड सर्टिफाइड. देन दिस इज स्पेशल वन, दिस गॉगल बी यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस. सो इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक वाइट ग्लास है एक ब्लैक ग्लास है, तो जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं ये पीछे एक स्ट्राइप है तो ये आंखों में पहन लेते हैं, पीछे वो स्ट्राइप से टाइट हो जाता है. तो फिर आप क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप दोनों तरफ, अगर आप लेफ्टी हैं तो आप लेफ्टी लेफ्ट साइड से ये पकड़ के ये हैंडल दिया रहता है छोटा सा, इसको उठा सकते हैं, इसको भी ये राइट साइड से उठा सकते हैं. तो ये वेल्डिंग ग्लास है, वेल्डिंग गॉगल. ये ब्लैक ग्लास क्या करता है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं वाइल वेल्डिंग
इन आर्क वेल्डिंग, तो ये उससे आपकी आंखों को बचाता है। अदरवाइज आपकी आंखों पे जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो उसमें से निकलती है वो अगर इम्पैक्ट करेंगी तो आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं, तो ये उससे आपको बचाता है। इसको ऐसे बंद करके और फिर आप पहले आप इसको उठाएं, अपना स्पॉट देखें कहाँ पे आपको वेल्डिंग इलेक्ट्रोड प्लेस करनी है, वहाँ पे प्लेस करें, देन पुट इट बैक दिस ब्लैक ग्लास एंड स्टार्ट वेल्डिंग। दिस इज कॉल्ड डस्ट मास्क। हम इससे काफ़ी फैमिलियर अभी हो चुके हैं प्रीवियस साल में, तो ये डस्ट मास्क आपको डस्ट पार्टिकल वगैरह आपके नाक में जाने से बचाता है, और आजकल ये हमें कोरोना के जो वायरस हैं उनसे भी बचा रहा है। ये भी सारे सब सर्टिफाइड होते हैं, N95 मास्क एंड ऑल। देन दिस इज कॉल्ड सेफ्टी हार्नेस। सेफ्टी हार्नेस जैसा आप देख रहे हैं इस आदमी ने पहना है, ऐसे ही ये पहनते हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये शोल्डर स्ट्रैप है और इसमें बकल्स होते हैं जिसको हम एडजस्ट करके इसे टाइट करते हैं, और ये आपका जो है फ्रंटल अटैचमेंट रिंग है यहाँ पे, और ये कनेक्टिंग बेल्ट ऑफ द चेस्ट स्ट्रैप, ये चेस्ट पे लगने वाली बेल्ट है, यहाँ पे भी ये टाइट होती है। फिर ये थाइज वाले स्ट्रैप्स हैं, ये जो इसके पीछे से भी आ रहे हैं ऐसे करके, ये भी टाइट होते हैं। ठीक है, तो व्हेन डू यू वेयर दिस, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन हाइट, जब आप 1.8 और 2 मीटर अबव हाइट पे काम कर रहे होते हैं तो आपको ये सेफ्टी हार्नेस पहनना होता है, क्योंकि ये फॉल अरेस्टर टाइप का होता है, ये आपको गिरने से बचाता है। इसमें जो ये आप डोर्सल अटैचमेंट डी रिंग देख रहे हैं, ये जो रिंग है इसमें एक रोप कनेक्ट होती है जिसके आखिरी में एक लैच होता है, ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये बैक साइड है, ये यहाँ से कनेक्ट होकर ऐसे, तो आप इसको ऐसे करके अटैच करते हैं थिंग्स पे, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे, ऐसे नहीं कहीं पे भी लगा दिया, जो आपको लगे कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहाँ पे आपको अटैच करना पड़ता है। और अगर ये लैच नहीं आ रहा है तो आप ये रोप को राउंड करके और फिर ये लैच इस रोप में लगा सकते हैं, तो तब भी वो सिक्योर हो जाएगा। और ये शोल्डर हाइट पे लगाते हैं हमेशा, यू शुड ऑलवेज ऑलवेज पुट दिस लैच ऑन योर शोल्डर हाइट, नीचे नहीं ऊपर नहीं, क्योंकि आप गिरेंगे तो थोड़ा सा ये आपको रिजिस्ट कर लेगा। अगर आप नीचे लगाएंगे, वेस्ट हाइट पे लगाएंगे या थाइज हाइट पे लगाएंगे, तो फिर उतना नीचे जाते जाते आपको हार्म हो सकता है। सो नेक्स्ट वी हैव ईयर मफ। इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट योर ईयर्स फ्रॉम द हाई नॉइजेस। दीज आर मोस्टली यूज बाय द क्रू और द ऑफिसर्स हु वर्क इन इंजन डिपार्टमेंट, बिकॉज वहाँ पे मशीनरी की बहुत ज़्यादा नॉइज होती है, तो उनसे बचने के लिए, अपने ईयर ड्रम को बचाने के लिए, उस टाइम तो उनको कुछ नहीं होता है अगर वो बिना ईयर मफ के काम करेंगे, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स उनकी सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो इट्स बेटर टू यूज़, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो दे शुड वी शुड यूज़ दिस ईयर मफ, दीज आर कॉल्ड ईयर प्लग्स फॉर लिटिल लेस नॉइज़, थोड़ी कम आवाज़ के लिए ये लगाते हैं, और कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है तो ये लगाते हैं, और कुछ अति हो रही है आवाज़ की तो फिर ये पहले ये लगा लो, फिर उसके ऊपर से ये लगा लो ईयर मफ, पहले ईयर प्लग्स लगा लो, आफ्टर दैट यू कैन प्लेस दिस ईयर मफ ओवर दैट ईयर प्लग। दिस इज कॉल्ड बॉयलर सूट एंड कवरऑल। इट प्रोटेक्ट्स योर होल बॉडी एज यू कैन सी बाय द नेम कवर ऑल, इट मीन्स इट इज कवरिंग ऑल होल योर होल बॉडी। ओके, सो इट हैज़ दीज रेडियंट्स, ये चमकते हैं जब इन पर लाइट पड़ती है तो दिख जाते हैं नाइट में। देन दिस इज़ द डिस्पोजेबल कवरऑल, दिस इज़ द डिस्पोजेबल कवरऑल, जो पीपी किट आजकल कोविड के लिए जब आ रहे हैं लोग टेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल से, तो वो ये लोग पहन रहे हैं। इट्स अ वन टाइम यूज़ कवरऑल, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड डिस्पोजेबल, यू हैव टू वेयर इट वंस देन यू हैव टू थ्रो इट, यू कॉन्ट यूज इट ट्वाइस। एंड दिस इज द कवरऑल वी गेव इन टू द लॉन्ड्री एंड आफ्टर गेटिंग क्लीन वी हैव टू वेयर इट अगेन। हेयर नेक्स्ट वी गॉट सेफ्टी ग्लव्स, दीज ग्लव्स यू हैव टू वेयर ऑन योर हैंड, ये इनको एच डी ग्लव्स बोलते हैं, लेदर ग्लव्स, हैवी ड्यूटी ग्लव्स। देन दीज आर द रबड़ ग्लव्स विच आर यूज बाय द इलेक्ट्रिशियंस, दीज आर शॉक रेजिस्टेंट।
देन दीज ग्लव्स दीज आर कम्प्लीटली मेड अप ऑफ रबड़, दीज आर यूज्ड, दीज आर वॉर्न व्हेन वी आर डीलिंग विद केमिकल्स। ये केमिकल ग्लव्स, ये इलेक्ट्रिकल ग्लव्स और ये एचडी ग्लव्स मेड अप ऑफ लेदर। वाइल वेल्डिंग और वाइल ग्राइंडिंग कटिंग वी यूज दीज ग्लव्स। वी गॉट वन मोर ग्लव, इट्स कॉल्ड हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंट ग्लव। ये एक इम्पैक्ट रेजिस्टेंट ग्लव्स है। एज यू कैन सी द बिल्ड ऑफ दिस ग्लव, ये इम्पैक्ट रेजिस्ट करने के लिए है। अगर कुछ चीज़ आप भारी चीज़ आपके हाथ में गिर गई या फिंगर पे गिर गई या पिंच पॉइंट के कुछ चांसेस है, तो ये उससे आपको कई हद तक बचा सकते हैं, क्योंकि इस पे ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऊपर दी गई है। जैसा आप देख सकते हैं ऑन द बैक साइड ऑफ योर हैंड एंड योर फिंगर्स ऑल्सो। सो इट्स कॉल्ड हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंट ग्लव। देन दिस इज कॉल्ड सेफ्टी बूट स्लैश शूज। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पीपी। इट इज अ सेफ्टी बूट, इट इज नॉट अ नॉर्मल बूट दैट वी वेयर इन आर डेली लाइफ। दिस बूट्स कम्स विथ फ्यू फंक्शनैलिटीज, लाइक इट्स अ एंटी स्लिपरी शूज। आप इसको पहन के स्लिप नहीं होंगे, यू कांट किसी स्लिपरी सरफेस पे। इसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी रहती है नीचे से, जस्ट लाइक द MRF टायर्स वी गेट फॉर बाइक्स एंड ऑल। तो इसकी जो है ग्रिप बहुत अच्छी होती है। एंड दिस टो, यू आर लुकिंग एट द टो, यहाँ पे एक मेटल इंस्टॉल होता है अंदर से। एक मेटल प्लेट होती है छोटी सी, जो आपकी टो को प्रोटेक्ट करती है। कुछ हैवी चीज़ आपकी टो पे गिर गई तो वो इंजरी होने से आपको प्रोटेक्ट करती है। शूज़ भी काफ़ी हैवी होता है, बट ये इतने ज़्यादा मोटी मेटल की प्लेट नहीं होती, लेकिन आपके पैर को बचा लेगी उतनी होती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो इफ यू वॉन्ट प्रेस द बेल आइकन यू वॉन्ट गेट नोटिफाइड। तो आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरी अगली वीडियो अपलोड होने का। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर कंटेंट, इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।